सो ऑलराउंडो की हाल चाल आप तुम लोग बढ़िया हो गए। सो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं कोर बार योगा वॉस। तो पिछले एपिसोड में तुम लोग ने देखा होगा जब हम लोग अपने फ्रेंड की मदद कर रहे थे तो हमें उस कुछ बिजनेसमैन या कुछ अजीब से बंदे के बारे में पता चला था जो कहें तो सील्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब कुछ सील अनलॉक करने के बारे में। अब मुझे ये नहीं पता कि वो सील अनलॉक करना क्या है, वो कौन से सील के बारे में बात कर रहा है, कौन से सील के बारे में नहीं बात कर रहा है, जिसको आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर इसका फंडा क्या है। बिकॉज जो हमारा बंदा है मतलब विस्पर, वो कहें तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। आर्डुइनो विस्पर क्यों डरा हुआ है? आई थिंक कुछ खतरनाक ही होगा तभी, क्योंकि ये योका है भाई, ये किसी से डरने वाला बंदा थोड़ी ना है। तो यार लेट्स गो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं आखिर क्या फंडा है क्या नहीं, और देखा जाए उस बिजनेसमैन को ढूंढा जाए और पता लगाया जाए क्या इसमें योकाई का हाथ है। ओ भाई सब बारिश का हाथ है भाई, सब इसमें योकाई का हाथ नहीं है। बढ़िया मस्त लग रहा है भाई। ओ भाई साहब हमारा कैरेक्टर भाई रिंगकोट पहन के रखा है। वाह भाई साहब, मतलब काश यार ये पोकेमोन में भी होता और जो कैरेक्टर से भाई बारिश के टाइम पे छतरी लेके घूम रहे हैं भाई, क्या डिटेलिंग है भाई इस गेम में। वाह मजा आ गया भाई साहब, मैं तो भाई चला था बिजनेसमैन ढूंढने में, तो भाई बारिश देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, क्योंकि बारिश एक ऐसा सीज़न है जो मेरा फेवरेट सीज़न है। बहुत लोगों को बारिश नहीं पसंद होगा बट यार मैं एक अजीब सा लौंडा हूँ, मुझे बारिश पसंद है तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ठीक है मैप का फॉलो करते हैं और उस बिजनेसमैन को ढूंढते हैं, बिकॉज इससे बेहतरीन भाई सब मौसम हो ही नहीं सकता उसको ढूंढने का। मतलब यार एकदम शानदार सा मौसम जहां हो रहा है एकदम मस्त वाला बारिश और हमारा विस्पर हमारे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर, मतलब यार नहा धोकर पीछे नहीं पड़ सकता, दैट्स व्हाई। ओके आई थिंक सो अपन पहुँच गए हैं, मतलब यार क्योंकि इसी इलाके पर मतलब जो भी है बिजनेस का फंडा होता है, और ये रहा आई थिंक सो बिजनेसमैन, आई थिंक सो। चलो पूछा जाए। हेलो लावंडे, तू है क्या जो सील विल अनलॉक करने के बारे में बात कर रहा था? जस्ट अ लिटिल ट्विक हियर एंड लूजन, दिस इज अप देयर नाइस। ओके ये कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है, मतलब आई थिंक पोस्ट ऑफिस, ये होता नहीं है पोस्ट बॉक्स इसको बोलते हैं, ये पोस्ट ऑफिस के बाहर ही है बट पोस्ट ऑफिस वाले को पता नहीं चल रहा है भाई कि इधर चोरी हो रही है। बंदा भाई खत चुरा रही है, एडोन में खत चुरा के क्या ही करेगा, बट आई थिंक होगा कुछ ना कुछ मैटर। मैक्सवेल आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑरा फ्रॉम दैट गाय, डूड यू फील इट? ऑफ कोर्स भाई, तभी तो मैं रुका हूँ, मतलब यार। और ये भाई साहब डलडल भी हमारे साथ है, वाह मैंने डलडल पे नोटिस नहीं किया था, चलो ठीक है। डू यू थिंक दिस इज द गाय दैट टेलटेल वॉज टेलिंग अबाउट अस? हाँ मुझे लगता है ये टेलटेल ही इसी के बारे में तो बात कर रही थी, मतलब बिजनेस मैन उसने कहा था तो ऑफकोर्स उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो बिजनेस मैन ही लग रहा है, नूब तो है नहीं ये। टेलटेल कैपियन ऑब्वियस अलर्ट, ओके तो बोल रही है कि यही वो बंदा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट किड? मैं कुछ नहीं देख रही भाई साहब, मैं तो सर तेरा शकल देख रही। एक्सक्यूज मी सर, गेट लॉस्ट विल यू? आई एम बिजी हियर विद अ ग्रो अप स्टाफ, कॉम्प्लिकेटेड स्टाफ। और क्या भाई साहब हमें भागने के लिए बोल रहा है और बोलता है हम कुछ खतरनाक काम में बिजी हैं, मतलब बड़े लोगों के काम में, बच्चों का काम नहीं इधर। ठीक है कोई ना, हम भी कौन से बच्चे हैं भाई साहब, वैसे है तो बच्चे ही बट फिर भी बोलने में क्या जाता है। दैट्स गाय गॉट अ सस्पिशियस रिटन ऑल ओवर हिम, बैड वाइब्स ग्लोरियर। ऑफ कोर्स भाई देख के ही लग रही है खतरनाक लौंडा है। वेर यू ऑन टू यू मिस्टर काइंड ऑफ? हाँ मतलब यार ये आखिर कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है, बात तो भी सही है। गो फॉर इट टेलटेल डू योर थिंग, हाँ टेलटेल दिखा दे, वैसे टेलटेल करेगी क्या? टाइम टू स्पिल डैम बीन्स शूट मैन, अच्छा मतलब इससे आप सच्चाई उगलवाएंगे, मतलब ये करना क्या चाहता है। बढ़िया है टेलटेल की पावर एक्चुअल में काफ़ी बेहतरीन है, मतलब किसी से भी उसके मुंह से बात उगलवा सकते हैं अपन, सो ये काफ़ी अच्छा है। हा 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 वंस आई अंडरस्टूड दिस सिटी सील्स आई बी द स्ट्रॉन्गेस्ट योकाई अलाइव। ओह अच्छा ये योकाई है, ओ भाई साहब मुझे लगा ही था कि शुरुआत में योकाई का ही फंडा होगा, दैट्स वाई विस्पर इतना ज़्यादा डरा हुआ है। बढ़िया ये योकाई आखिर सील को क्यों हटाना चाहता है। Soon I will no longer need this pony human skin to my house true form, अच्छा मतलब ये इंसानी रूप में है, मतलब ये अपने असली रूप में नहीं है। I shall absorb all this energy and make the whole world mine, भाई साहब पूरी दुनिया अपनी बनाने में लगा हुआ है भाई साहब, जितने भी एनिमीज आते हैं या विलन्स आते हैं सबको दुनिया इतनी पसंद क्यों होती है, I don't know why भाई साहब उन्हें सारी दुनिया क्यों चाहिए, कभी को ढंग के काम भी कर लिया करो भाई, सबको दुनिया चाहिए भाई, ऐसा लग रहा है दुनिया फ्री में बट रही है, जो आया थोड़ा थोड़ा लेके चला गया, कहीं बोलना ऐसा होता तो फिर मेरे को भी मिल जाता भाई सब, मेरे को भी तो फिर दुनिया चाहिए। ओके आई एम नॉट अ मच इन टू अ कॉपरेटेड कल्चर बट आई डोंट थिंक दैट ड्यूड इज़ अ नॉर्मल, बात तो सही है भाई साहब, हम कभी बिजनेस विजनेस किए नहीं, हमें पता तो नहीं है बट इसकी
बातें भाई साहब सुन के अजीब लगता है, क्योंकि ये योका है भाई। इसने कहा अपने मुंह से, भाई मेरा कैरेक्टर भाई पागल है क्या ही बोलना। वेट व्हाट व्हाट आई एम सीइंग, वेट डिड आई जस्ट बर्न आउट माय सीक्रेट प्लान्स। ओ ओके, हाँ हमारे टेल्टन ने भाई अपना जादू कर रखा है, अच्छे अच्छे अपना मुंह खोल देते हैं इस जादू के बाद। तो ऑफ कोर्स इसका सीक्रेट प्लान हमें पता चल गया और ओ ये अपने रूप में आ गया, टैंगलोम। अजीब सा नाम है, बट भाई बंदे ने हाथ में किताब ले रखा है, पढ़ाकू बंदा है, मानना पड़ेगा। सिंस आई कांट इरेज योर मेमरीज आई हैव टू टेक यू डाउन। अच्छा भाई साहब हमसे भिड़ेगा, हमको जानता ही नहीं लौंडे, हमने अच्छे अच्छे को फोड़ फाड़ के बर्बाद कर दिया है, अब तेरा तू हमसे पंगा ले रहा है, हमसे पंगा पड़ेगा महंगा। डूइंग अ बैटल यू मे कम अक्रॉस द ग्लोइंग ऑर्ब। अच्छा इससे क्या होगा, दस आर कॉल्ड विस्प, हिट देम विद पेन टू रिप डिफरेंट रिवॉर्ड्स। अच्छा भाई साहब इस रिवॉर्ड से होता क्या है, यू कैन गेट अ आइटम, मे बी योर सोल मेटर विल फिल अप। अच्छा यू गेट मोर मनी एक्सपीरियंस पॉइंट इवन बी ए फ्रेंड एड योकाई मोर ईजी। ओ अच्छा मतलब मैं इससे मतलब दोस्त ईजिली बना सकता हूँ, ये तो बढ़िया चीज़ बना भाई, पता यार एक्सपीरियंस भी एक्स्ट्रा मिलेगा और प्लस पैसे भी मिलेंगे, काफ़ी सही है। देर आर नथिंग टू लूज सो पुट इन अ मोमेंट यू सी। हाँ समझ गया भाई, इधर हारने वाला कुछ है ही नहीं, तो चलो लड़ा जाए, जिन बियान को बुलाया जाए। जिन बियान भाई साहब अपना पाऊ वाला अटैक मारने के लिए तैयार हो जाए भाऊ, फिलहाल के लिए कैडिन को मारते हैं, क्योंकि कैडिन का अल्टीमेट काफ़ी सही है। मतलब मेरे जिनबियान का भी अल्टीमेट मेरे को इतना पसंद नहीं आया, बढ़िया कैडिन का अल्टीमेट बहुत सही है, क्योंकि ये मल्टीपल हिट्स मारता है ना, दैट्स व्हाई। और इसके लिए मेरे हिसाब से कैडिन बहुत बेस्ट है, बढ़िया फिलहाल के लिए कैडिन कट ओपी। या भाई साहब जिनबियान से भी ज़्यादा बेहतरीन है अगर देखा जाए तो, बढ़िया कैडिन कट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। बुहू तैयार हो जा बुहू, अब बुहू का अल्टीमेट मारेंगे भाई साहब, बुहू अपना बुहू है जो भी बोलो, खतरनाक है भाई बुहू। अबे ये तो उससे पहले ही मर गया, अबे न्यूब बंदा था, बट जिनबियान का डांस मस्त है, जो भी बोलो भाई जिनबियान का डांस मस्त है। अरे बट बुहू भाई खतरनाक निकला अपना, क्या इस बार जिनबियान कुछ नहीं कर पाया, बट यार कैडिन और बुहू ने संभाल लिया। अपने पास यार ओपी टीम है यार, अपने को टेंशन की बात नहीं। ओ सोलमेट न्यू स्किल लेवल, ये क्या होता है सोलमेट, क्या नया है? आई थिंक सो कुछ इसने नया लेवल सीखा या तो स्किल का पावर बढ़ा होगा, आई थिंक सो। आई कॉन्ट बिलीव आई वॉज डिफीटेड बाई अ किड, बट यू आर टू लेट बॉय। क्या भाई साहब इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना भाई, जब तुझे बच्चे से हारना ही नहीं था, बढ़िया ऐसा क्या लेट हो गया, इसने क्या कर दिया भाई। मैं एलाइसा ऑलरेडी हेड टू द कम्युनिटी सेंटर एंड टू द बैंक। ओ कम्युनिटी सेंटर से बैंक में क्या है भाई, वाई आई एम स्टिल टेलिंग यू एवरीथिंग। ओ भाई जब टेल का पावर है भाई तो सब बताएगा, टेंशन बदले। नो मैटर यू नेवर फिक्स द फोर सील्स दिस वर्ल्ड विल बी आवर्स। अच्छा भाई साहब चार सील खतरनाक, बट ये दुनिया पे कब्जा करना कहे चाहता है, ये योकाई को दुनिया पे कब्जा करके मिलेगा क्या, मत यार। वेल नाउ दैट समथिंग यू डोंट सी एवरी डे। हाँ बात तो सही है भाई साहब, ये रोजाना देखने को नहीं मिलता भाई कि आ गए भाई दुनिया पे कब्जा करने, बात तो सही है। इट्स मेक सेंस नाउ थॉट वे दिस सिटी इज फील्ड विद सच अ पावरफुल ऑरा। हाँ बात भी सही है भाई, इसलिए इधर योकाई मतलब पार्टी शार्टी कर रहे हैं इसी इलाके में, मतलब जहाँ देखो वहाँ योकाई भाई, जहाँ देखो वहाँ योकाई, तो आई थिंक सो इसकी वजह से है, मतलब यार ये बंदे ने प्लान बना रखा है इस दुनिया पे कब्जा करने का, दैट्स वाई सारे योकाई इसका साथ दे रहे हैं कह सकते हो। दस फोर्सेस मस्ट बी इन अ प्लेस टू कंटेन अ ग्रेट डील ऑफ पावर। हाँ मुझे भी लगता है भाई वो खतरनाक ही होंगे, मतलब तभी तो उन्हें सील्स कहा गया है। दस योकाइज वॉन्ट टू अंडू द सील्स एंड टेक दैट पावर, इफ दैट हैपेंस द ह्यूमंस एंड योकाई रियलम विल कोलाइड, इट विल बी टोटल कियोस। अच्छा भाई साहब मतलब यार बात तो उसकी सही है, मतलब जो सील्स हैं उनको कहीं हटा दिया गया तो जो इंसानी दुनिया है और जो योकाई की दुनिया है, मतलब अभी फिलहाल के लिए सेपरेट है, अलग अलग दुनिया है, तो इंसान योकाइज को नहीं देख सकते, लेकिन जब उस सील्स को हटा दिया जाएगा तो योकाइज और इंसान एक दूसरे को देख पाएंगे, और तब या ऑफकोर्स तबाही मचेगी भाई साहब, मतलब इंसान डर के भागेंगे इधर उधर, योकाई अपना राज करेंगे या तो फिर इंसान का दिमाग चटेगा और मिसाइल्स दागेंगे, और क्या इंसान भी कम थोड़ी ना है, उनके पास भी तो खतरनाक रॉकेट्स हैं, क्या ही बोलना। सीरियसली क्योस लाइक कैट एंड डॉग्स सिंगिंग क्लासिकल सो ट्यून्स क्योस। बात तो वो भी सही है भाई साहब, मतलब यार क्योंकि योकाई इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है, अभी तक अपन ने जितने योकाइज को देखा उतने खतरनाक नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहा है कि जो बिल्ले और जो कुत्ते हैं वो क्या क्लासिकल सॉन्ग गाएंगे, ये केओस है क्या। ओ भाई साहब वो बात तो इसकी सही है, वो भी
यार मुझे लगा योकाइस पावरफुल है, बट अभी तक अपने जितने योकाइस देखे हैं सब मतलब इंसानों के ऊपर ही कब्जा करके उनसे अंड संड काम करवाते हैं। बट यार उनके पास कुछ ऐसे पावर्स नहीं है कि जो अपने आप को मतलब हम लोग को हार्म कर सके, मतलब डैमेज कर सके या चोट पहुंचा सके। तो हो सकता है, वेल मे बी नॉट अ क्वाइट दैट क्योटिक, बट दिस पॉइंट स्टिल स्टैंड। हाँ भाई साहब, अब इस पर बोल रहे इतना भी खतरनाक बात नहीं है, मतलब यार फिर भी बात तो बात होती है, या खतरा तो खतरा होता है, ऐसे कहना चाहता है। चलो ठीक है भाई साहब, मैं भी देखना चाहूँगा भाई कि योका इंसानी दुनिया में आ जाए तो क्या होगा। ऑफ कोर्स बेचारे योका की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इंसान भाई उनसे ज़्यादा ही खतरनाक है, मानो या ना मानो। मैक्सवेल, वी मस्ट फिक्स द सील बिफोर द योका टेक ओवर, लेट्स डू इट। क्या भाई साहब, सो हाउ वी डू दैट? चलो देखा जाए भाई, हमें सील्स को कैसे ठीक करना है। इक्विपिंग आइटम हेल्प मेक अ योकाई मोर पावरफुल। हुआ के तो इससे होता क्या है, ये तो वैसे पोकेमोन टाइप का ही है, मतलब पोकेमोन में भी अपन अटैक वटैक या स्पेशल चीज़ें बढ़ाने के लिए आइटम्स का यूज करते हैं, होल्डिंग आइटम्स का। स्पेशली पावर कैन इंक्रीज द सर्टन ट्रिब्यूट्स फॉर योकाई, मेक योर चॉइस विसली ऑन वंस ऑफ। हाँ समझ गया भाई, मेरे को किसको देना है किसको नहीं देना है वो तो मुझे पता ही है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सो लेट्स गो, चलते हैं भाई सब उस सील को ढूंढते हैं। बट सील से पहले मेरे हिसाब से मेरे को हीलिंग ले लेना चाहिए, बिकॉज आप उन पोस्ट ऑफिस के पास हैं यार, तो हीलिंग लेके चलते हैं। अपने को पता नहीं अपने कौन से योकाइस का कांड हो चुका है कौन से का नहीं, तो यार अपने को हीलिंग ज़रूरी है क्योंकि ये अपनी मजबूरी है भाई साहब, इसके सिवा अपने पास कोई और रास्ता ही नहीं है सर्वाइव करने का। या अपन केक वेक ये सब इस्तेमाल करने वाले नहीं है, हीलिंग सेंटर है भाई, फ्री का माल है भाई सब, क्यों ना यूज किया जाए, भाई को फालतू पैसे बर्बाद करने। ओ हेलो जिनवियान भैया, तू इधर क्या कर रही है अभी तक? टू बैटल अ ट्रक आई नीड मेक अ सोर आई एम विल अ फीड। अच्छा भाई सब, बारिश हो रही है फिर भी भाई लगा पड़ा है ट्रक से भिड़ने के लिए। मैक्सवेल, यू शुड रिमेंबर दैट वन एवर यू गो इन टू बैटल। हाँ समझ गया भाई, बट सुधर जा भाई, कितना ही ट्रक से भिड़ेगा भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेचारे की। बंदा भाई ट्रक से भिड़ने में लगा हुआ है, मतलब उस लड़की को एमी को इम्प्रेस करके रहेगा भाई लौंडा, मतलब जान चली जाए बट भाई इंप्रेशन ना जाए भाई, खतरनाक है भाई, मानना पड़ेगा। ऐसा डेडिकेशन आजकल के टाइम पे बहुत कम ही लोग को देखने को मिलता है, बट ये हमारे जिनबियान के अंदर भाई वो डेडिकेशन है, और क्या ही चाहिए, मतलब और क्या ही चाहिए लोंडो मार्केट में, इससे बढ़िया डेडिकेशन मैंने आज तक नहीं देखा भाई। मोटिवेशन लेना है तो जिनबियान से लो भाई, मोटिवेशन का दुकान है। ओके आई थिंक सब लोग पहुँच गए, इधर हो रहा है सील का कुछ दर्द फील, और ये सील कम स्टोन टैबलेट ज़्यादा लग रही है, मतलब ऐसे कुछ होता है क्या, मतलब ये कोई पुराना स्टोन लग रहा है। दिस मस्ट बी अ कम्युनिटी सेंटर सील दैट योकाई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये कम्युनिटी सेंटर है भाई साहब, ये तो पत्थर लग रही है भाई, ये कैसा कम्युनिटी सेंटर है? देर आर डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एनर्जी हियर। हाँ बात तो सही है, एनर्जी तो है, वो तो समझ आ रही है तेरा विस्पर भाई, बट ये कैसे कम्युनिटी सेंटर है? सो वी आर गोइंग टू फिक दिस नाउ, यप जस्ट लीव इट टू मी। ओ हमारा विस्पर भैया पावरफुल लौंडा, आई हैव टू फिक्स इट इन नो टाइम, आई गॉट अ मोर देन फ्यू ट्रिक्स अप इन माई स्लीव्स। ओ भाई साहब इसके पास काफ़ी चीज़ें हैं भाई साहब, मानना पड़ेगा विस्पर पावरफुल लौंडा है। ऑफकोर्स ये पहले ईवल स्पिरिट था, मतलब बहुत बुरा आत्मा था, तो तुम्हें पता ही है इसकी कहानी, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। बट यू डोंट हैव एनी स्लेव्स। हाँ बात तो सही है, नो नीड टू वरी योर सेल्फ विद फाइनल डिटेल्स, टाइम टू फिक्स सम सील्स। हुआ क्या भाई साहब, आओ ई का आ गया भाई, ए यूजी गाइस इज नॉट अ फिक्स नट्स। अबे भाई ये क्या है, मोची मो ई का है, अजीब ही है, मेरे को तो पनीर का टुकड़ा लग रहा है, क्या ही बोलूँ। वी आर गोना ब्रेक डाउन दिस सिटी सील्स वन एवर यू लाइक आर नॉट। अब यार भाई तू शहर का सील तोड़ के करेगा क्या भाई, तेरे को तो मस्त बंदे मतलब तरकारी में बना के खा जाएंगे भाई, तेरा करी बना देंगे, क्या ही बोलना। अरे यार इसका आलू मटर बना सकते हैं, नहीं या आलू पनीर मटर होता है, क्या होता है यार, मैं पनीर की सब्जियां बहुत कम खाया हूँ, सो मुझे इतना नहीं पता। मैंने एक ही बार लाइफ में खाया था होटल में, तब से मुझे मतलब मुझे पनीर कुछ खास इतना पसंद नहीं है, बिकॉज वो तो दूध से ही बनता है ना, वैसे भी मुझे दूध भी इतना कुछ खास पसंद नहीं है, सो कह सकते हैं। लेट्स गो, जिनबियान का इस बार अल्टीमेट इस्तेमाल करते हैं, जिनबियान भी पावरफुल लौंडा है भाई। जिनबियान भाई अल्टीमेट अपना तैयार रख, पावर आल पावरस जो भी नाम है, पावरस बटर रस आमला रस पता नहीं क्या है, बट इसके साथ बहुत खतरनाक बंदे हैं। पावर फ्यूरी लेट्स गो, इसका अटैक बहुत मस्त लगता है, बट डैमेज ना के बराबर देता है। ओ भाई सो डैमेज दिया भाई लौंडे ने, मुझे लगा भाई डैमेज ना के बराबर देता है, बट लौंडे ने डैमेज दिया भाई। चलो ठीक है, कैडिन भैया तैयार हो जाओ अपने अल्टीमेट के लिए, लगता है कैडिन अल्टीमेट मारने से पहले इसको धर देगा, बट कोई ना हम तो अल्टीमेट पे फोकस करेंगे, हमें तो अल्टीमेट ही मारना है। कैडिन कट के लिए तैयार हो जाओ, अबे आ भाई फटाफट चार्ज जा, लेट्स गो।
अबे जैसे मेरा अटैक चार्ज हुआ वैसे मर गया। शर्म कर लो भाई, कम से कम मेरे को अल्टीमेट मारने दिए होते भाई लिटरली। बट कोई ना भाई कोई ना, बंदे लोग को डांस करने में मज़ा आ गया और अपने को कुछ नहीं लाइक लाइफ में चाहिए भाई, इन लोगों को बस मज़ा आना चाहिए। उन लोगों का डांस देखने में अलग ही मज़ा है, वो बात अलग है। चलो कोई ना, बढ़िया, हम लोग ने पनीर के टुकड़े को हरा दिया, मज़ा ही आ गया। नो माई बीन्स, भाड़ में जाए तेरे बीन्स, पनीर का टुकड़ा मारा गया गाइस। अब इसकी पनीर की सब्जी बनेगी। व्यू दैट वॉज अ क्लोज वन, नाउ लेट्स गेट अ बैक टू फिक्स दैट सील। ओके बनाओ भाई, सील को फिक्स करो। पुहू दैट्स अ ग्रेट स्प्रिट सील्स, गॉट अ वेल। सुनो क्या भाई सब सुनो कर लिया है, सुनो मुनो, और ठीक कर दिया भाई इसने ब्रूनो। ए दैट्स वर्क, दैट्स द सीम सो सिंपल, लेट दैट रियली फिक्स दैट सील। हाँ वो बात तो सही है, दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है, तो ये क्या सचमुच ठीक किया है? मुझे नहीं पता, विस्पर की भाई वो जाने भाई, वो है जो का है, हम थोड़ी ना। ऑफ कोर्स लुक एट योर सेल्फ, द ऑरा इज गॉन। हाँ बात तो सही है, ऑरा गॉन हुआ है, बट जरूरी थोड़ी ना कि ये सील भाई सब तेरे रोकने से रुक गया हो। मतलब यार आई थिंक विस्पर ज़्यादा ही पावरफुल है, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे ज़्यादा है। इट जस्ट सीम्स लाइक आई कुड जस्ट एट द स्वर टू। ओ अगेन यू आर वरिंग अबाउट द फाइनर पॉइंट्स, लेट जस्ट गेट इन द नेक्स्ट वन। हाँ बात तो सही है, हमें इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बात सही है विस्पर की भाई। हमको अपना काम तमाम करना है, जितने भी सील्स हैं इधर के सारे फिक्स करने हैं, और थोड़े बहुत योकाइस की वाट लगानी है, बस अपने को गाड़ी से नहीं ठुकना है। वैसे बारिश का मौसम है मस्त, और ज़िंदगी एकदम ज़बरदस्त, और क्या ही बोलना, इससे बढ़िया बात मेरे को बोलने नहीं आता। सो चलते हैं अपने अगले सील की तरफ, और फ्री का माल भी रास्ते में देखते चलेंगे, क्या पता मिल गया कोई माल, और ज़िंदगी में मचाएंगे इसी बहाने बवाल, और क्या ही कर सकते हैं, लाएंगे भूचाल। बट अपने घड़ी में टाइम क्या हो रहा है भाई साहब? ओ अभी दिन ही हो रही है, रात होने में अभी 280 साल बाकी है, बहुत बढ़िया। ओ हेल्लो, इधर इधर क्या है भाई साहब? ये वही बंदा है ना, वो भागता है, दिस वे दिस वे। चलो फ्री का माल मिल गया, इसका पीछा करो भाई, कहाँ भाग के जाएगा, तेरे को रैपटा ही पड़ेगा। ला फ्री का माल, ला फ्री का माल, ला भाई साहब। फ्री का माल देने की जगह भाई लखनऊ लंदन घुमा देता है भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, अबे फ्री का माल दे दे, अब देगा भाई फ्री का माल। ला ला भाई, इतना ज़्यादा भगा दिया तू, अभी कितना भगा रही है तू, मेरे को और दूर ले जा रहा है यार। ये कुप्चे गली में ले आया भाई, अलीपुर के गली में उठा लाया, अब तो दे दे भाई, अबे क्या। ओके आखिरकार अंकल जी, तुम इस बॉक्स को देख रहे हो? मत देखो भाई साहब, ये बॉक्स सिर्फ मेरा है, कहाँ देख रहे हो, तुमको नहीं पता। डार्क स्काइज ग्रे क्लाउड्स आई डोंट माइंड रेनी सो मच आइदर, डोंट यू? मैं भी भाई साहब, मुझे तो बारिश पसंद है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया, तुम्हें फ्री का माल नहीं मिलेगा, स्मॉल एक्सप्लोर्ड पता नहीं क्या है, बढ़िया फ्री का माल है तो रख लेते हैं भाई साहब। वैसे भी अपने को फ्री के माल हमेशा ही चल जाते हैं यार, मतलब फ्री के माल सबसे बेस्ट होते हैं। बस काश इस गेम में गाड़ी चलाने को मिल जाता, गाड़ी चलाने को मिलता तो डबल मज़ा आता। बट कोई ना, कोई और गेम देखेंगे भाई जिसमें गाड़ी चला पाएंगे, बट फिलहाल के लिए तो हमें पिगी बैंक, व्हाट द हेक, ओ ये एटीएम है भाई, हम चले पैसा निकालने गाइस, हम अमीर लौंडे भाई, पैसे ही पैसा, मतलब यार पैसे ही पैसा भाई। आंटी जी पैसा दे दो यार, मैं गरीब इंसान हूँ। डोंट वरी अबाउट मी, ओके नो वन स्टॉल माई आइडेंटिटी। अबे भाई मैं अब भी देख लिया, मैं भाई साहब अब भी तेरे एटीएम का पासवर्ड वासवर्ड देख लेगा, तेरा सारा पैसा निकाल के मैं बन जाएंगा अमीर, और तू रोड पे आ जाएगी आंटी। वैसे गाइस जब भी तुम एटीएम में जाना तो तुम्हारे पीछे कोई लौंडा रहे तो भाई साहब उसको बोलना कि अपना मुंह दूसरे साइड कर ले, मतलब भैया, नहीं तो तुम उसके ऊपर शिकायत भी कर सकते हो, जो वॉचमैन होते हैं उनको तुम बोल सकते हो कि भाई ये मेरे एटीएम को झांक रिया है, तो या उसके ऊपर केस भी हो सकता है। तो इसलिए बोलता हूँ सावधान रहना भाई साहब, तुम्हारा पासवर्ड वासवर्ड गया तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, मतलब पैसे गायब, मतलब जिसका बैंक हो उसका। वैसे तो मुझे लगता नहीं तुम बालकों का बैंक होगा, बट फिर भी कहीं अकाउंट अकाउंट खुलाए होगे तो ये मैं मतलब हमेशा ही सबको रिकमेंड करूँगा। ओके देखा जाए इस पिगी बैंक में क्या है, कुड दिस बी द बैंक सील? हाँ मुझे भी लगता है, आई थिंक दैट द सेफेस्ट बेट, देर आर लॉट ऑफ पावर स्पेलिंग आउट आउट देर। हाँ बात तो सही है, हमको भी पावर दिख रही है भाई, हम अंधे नहीं हैं। ओके व्हाट्स नाउ, आई टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज अ चाइल्ड प्ले फॉर यू गाय फॉर माई सिम्स क्लेवर, सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर यू। हाँ नॉर्मल इनफ, इनोसेंटली नॉट अब नॉर्मल, वेल जस्ट सी दैट। हाँ हमारा विस्पर भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके लिए सब बच्चों का खेल है। ओके लेट्स गेट दिस फिक्स, हाँ कर दे भाई। ओ एक और लौंडा, ऑफकोर्स मैं जानता था, इतने आसानी से तो भाई इन लोग सील फिक्स करने देंगे नहीं। व्हाट्स योर, व्हाट्स योर्स इज माइन एंड व्हाट्स माइन इज माइन, है मतलब बोल रहा है जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। बड़ा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, तेरे पास जो है वो मेरे को दे दे इसी बहाने,
गिमी गिमी, ओ भाई साहब गिमी गिमी, अरे तो गाना याद आ गया यार। एक गाना नहीं है क्या बोलते हैं, अमेरिकन में है, मतलब इंटरनेशनल सॉन्ग है, गिमी गिमी ऐसे कुछ गाना है, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम पहले मैंने सुना था। आई वॉन्ट डैट पावर, आई वॉन्ट मेक इट माइन, गिमी गिमी, क्या भाई इसको वो ताकत चाहिए। ओ भाई साहब बड़े ही बढ़िया है वैसे, मतलब दिखने में तो काफ़ी मस्त है। देयर इज नथिंग क्वाइट लाइक समथिंग स्नैचिंग पावर आउट समवन हैंड्स। ओ अच्छा, मतलब वैसे लोगों की ताकतें छीनना पसंद है भाई साहब, बड़ा हरामी बंदा है भाई, मतलब यार चलो कोई ना। एंड प्लेसिंग इन टू माई ओन गिमी, ओके भाई खुद के लिए, चल आ जा भाई तेरे को बताते हैं। दूसरे की ताकतों को छीनता है भाई साहब, अपना जिन बयान तुझे बताएगा अपने पावर फ्यूरी से। और जिन बयान का तो अल्टीमेटली फुल नहीं है भाई साहब, अपने को कैडिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैडिन भैया लग जाओ, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, ख़त्म करो कहानी, बाजू वाले की याद आ गई नानी, पता नहीं क्या करेंगे भाई साहब जब ख़त्म हो जाएगी जवानी। वो दहक क्या ही बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बातों पर मत ध्यान दो भाई, कैडिन कट पे ध्यान दो भाई, कैडिन कट पे, कैडिन कट भाई सबसे ज़्यादा ओपी अटैक है, मतलब यार सबसे ज़्यादा ओपी अटैक है भाई, अल्ट्रा डैमेज और ज़िंदगी बर्बाद। हमारे जिन बयान का पावर नहीं फुल है, बूहू से अपन तबाहीदार अल्टीमेट करवाने की कोशिश करेंगे, कहीं बूहू का मन किया तो कर देगा, वैसे तो अपने बंदे वैसे संभाल लेंगे अल्टीमेट मारे बिना, बट यहाँ मेरे अंदर चुल रहती है, मैं बिन फोकट का अल्टीमेट मारता हूँ। अगर अपने पास अल्टीमेट है तो वाई नॉट यार इस्तेमाल किया जाए, बूहू ब्लास्ट लेट्स गो। और यह इसकी कहानी खलास हो जानी चाहिए थी भाई साहब, 19 का डैमेज हुआ था भाई, बट बंदा अभी भी जिंदा है। आई थिंक सो मुझे जिन बयान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं जिन बयान भाई इसके सामने नल्ला है, मेरे सारे के सारे योकाइज की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है गाइस, मैं क्या करूँ, मेरे योकाइज प्लीज़ मत मारो भाई प्लीज। अरे यार मेरे कैडिन को मार दिया, मार भाई जिन बयान भैया, गार्ड वार्ड मत कर भाई, मार भाई ये जिन बयान नल्ला बंदा। चलो ठीक है इसका सोल आ गया, चलो हो जाए अल्टीमेट। अबे यार अल्टीमेट इसका चार्ज होने में 280 साल लगता है, तब तक मेरा जिन बयान मर जाएगा, मर जाएगा जिन बयान, मर जाएगा, मर जाएगा जिन बयान। अबे यार फुल हो ना यार, कितना सही तो मैं बना रही हूँ, ये लेटर बनाने वाला बहुत बेकार है। अबे इतना सही तो बना रही हूँ मैं, अबे अभी तो मैं प्लीज़ अब क्या हो रहा है, मैं डिजाइन सही बना रहा हूँ, अब भी जाके बना भाई, इतनी बार मैंने डिजाइन बनाया, बट अच्छी बात है वो बंदा रुका हुआ था। पावर फ्यूरी लेट्स गो, इतने पे तो ये मर ही जाएगा भाई, इतना ज़्यादा इसको रैप्टा पड़ गया, ज़िंदगी बंदगी बर्बाद भाई साहब, पता नहीं कैसे मैं जीत गया, बोले यार मेरे दो योकाइज तो मारे गए बढ़िया, अपने जिन बयान ने अपने को जिता दिया, बट यार मैं बार बार वो डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, अल्टीमेट फुल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे इसमें डिजाइन बनाना बहुत बेकार काम है, बट कोई ना लेट्स गो, सुपर डुपर फ्रिकेड के ओपी मजा आ गया। अब बोल, अब तेरा जो है वो मेरा है भाई साहब, अब तेरा सामान मेरा, दे दे फटाफट दे दे। You guys are so mean. I have not stolen anything from you yet. क्या भाई, तो तू सोच रही है हम लोग चोरी का इंतजार करेंगे, मतलब तू चोरी करेगा उसके बाद हम लोग तेरे को रैप्टा मारेंगे, हम पहले ही रैप्टा मारते हैं भाई, बाद में चोर को भगाते हैं। ओह बड़ा जल्दी भाग गया, चलो अच्छी बात है, गुड वर्क डीलिंग विद दैट लिटिल इंटरप्शन, व्हाट अ ग्रीडी यू गाइस, ऑफ कोर्स भाई वो बहुत ज़्यादा लालची था बंदा भाई सब, बोलता है जो तेरा है वो मेरा है भाई, खतरनाक बंदा था भाई, उससे बच के रहना पड़ेगा। नाउ लेट अस फिक्स दैट सील, पेन पेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे। ओ भाई साहब क्या मस्त गाना है यार, अरे यार दर दर चले जाओ और दूसरे दिन आओ मस्त मस्त, फिक्स योर सेल्फ और अपने आप को ठीक करो, बढ़िया बढ़िया भाई साहब, इस पर भाई खतरनाक लौंडा भाई, मानो या मानो इसको भाई सिंगर बनना चाहिए था, अब इन फुकड़ का इधर आ गया भाई साहब, डांस इंडिया डांस, नहीं डांस इंडिया डांस में तो डांसिंग होता है, इंडियन आइडल तो ये जीत ही जाता, दैट शुड डू इट। ओके चलो हमने दूसरा सील भी फिक्स कर दिया, I can't believe that works. I know life's a weird, but look the aura has a fade away. Okay. मतलब बंदा बोलता है हम जानते हैं जिंदगी अजीबो गरीब है, बट क्या ही बोलना, वो aura देखो ख़त्म हो चुका है। Yeah, I guess so. We are done here. Of course, मुझे लगता है yep. After the next seal. तो हम लोग ने दो seal complete कर दिया, अभी दो seal और बचा है। चलो well, we fixed the three seals, but where could be the last one? Oh, मैंने three seals fix किए, तो मैंने एक सिल का फिक्स किया था, मुझे तो याद भी नहीं है, आई डोंट नो, चलो कोई ना। एलिमेंट्री माय डियर मैक्सवेल रिमेंबर टेटल्स स्टोरी, अच्छा एलिमेंट्री में है, सी मेंशन दैट अ यू का है, बिजनेसमैन कम फ्रॉम द स्कूल, हाँ अच्छा बात तो सही है, डिटेक्टिव डी डिटेक्टिव व द हैक डिटेक्टिव ही है ना, नहीं डिटेक्टिव नहीं है, अजीब लिखा है, कोई ना फर्क पड़ता है।
रीजनिंग डिटेक्टर्स हियर मस्ट बी अ सील देयर। क्या भाई साहब, तू अपने पहेलियाँ बोलना बंद किया कर, विस्पर कभी कभार तेरी पहेलियाँ सुन के मेरा माइंड खराब हो जाता है। मैं आई एम फीलिंग सब एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन एज वेल। अच्छा, व्हाट आर वी डूइंग स्टैंडिंग हियर, टॉक अबाउट, लेट्स गो। यह बात है, सही बात है भाई, हम लोग फालतू में क्या ही बातचीत कर रहे हैं भाई, अपने काम पे चलते हैं और काम 25 करते हैं, उस लास्ट सील को भी फिक्स करते हैं और देखते हैं भाई सब। हम लोग जा रहे हैं वैसे एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ जाके हम बच्चों को परेशान कर सकते हैं। मतलब यार, बच्चों को परेशान करने में जो मज़ा आता है वो ज़िंदगी में किसी चीज़ में नहीं आता। मतलब यार, तुम लोग भी कभी कभार ट्राई मारा करो यार, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कभी भी दिखे एक रैप्टा खींच के दे दिया करो। पता नहीं कि मुझे बहुत मज़ा आता है छोटे बच्चों को मारने में। आई डोंट नो भाई, मैं ऐसा अजीब बंदा क्यों, बढ़िया मतलब सच में चुनू बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं ना, क्यूटनेस की वजह से। मतलब जो भी बंदे मेरे को क्यूट दिखते हैं उनको मारने का मेरा मन करता है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत अजीब बंदा हूँ सम रीज़न। पता है मुझे क्यूट चीज़ें अजीब ही लगती हैं। ओ डू यू फील दैट, दिस इज गेटिंग रियली इंटेंस। ओ अच्छा भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, कुछ ज़्यादा खतरनाक और आ रहा है क्या? देर आर लॉट ऑफ एनर्जी हियर, ऑल राइट वी मस्ट गेटिंग अ क्लोज टू द सील। अच्छा भाई साहब, ऐसा बोल रही है जिंदगी बर्बाद होने वाला, फिर एक ही बार जोश दिलाता है कि भाई तबाही मचाने का टाइम आ चुका है। लेट्स लुक अराउंड, कीप ऑन आई आउट, पावरफुल ऑरा इन मैक्सवेल। हाँ समझ गया भाई साहब, पावरफुल ऑरा को हम लोग गोरा बना देंगे भाई फेयर लवली क्रीम लगवा के। और ये रहा लास्ट वाला सील, अबे ये तो कभी वो लगता है भाई साहब, मतलब क्या बोलते हैं, क्या ही सील है ये। ओके ये कोई प्रिंसिपल का स्टैचू लग रहा है मेरे को तो। लेट्स गो प्रिंसिपल भैया, हम तुम्हारा स्टैचू तोड़ने आए हैं, मतलब सील लगाने आए हैं। दिस सीम्स टू बी अ फीलिंग द इंटायर सिटी विद द ऑड एनर्जी। अच्छा भाई साहब, इसकी वजह से पूरे सिटी में मतलब अजीब सी एनर्जी फैल चुकी है। इफ़ यू डोंट शट दिस डाउन दिस सिटी विल बी अफ्लोड विद द बैड योगा। हाँ बात तो सही है भाई, फिर फटाफट सील लगाओ भाई साहब, योगा हमें नहीं चाहिए, वैसे भी योगा इसने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। देन लेट्स फिक्स दिस सील, माई प्लेजर। ओके तो ठीक कर रहा भाई। ओ वेट वॉट, समथिंग्स हैपेंड, आई एम पिकिंग अप अ इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग ऑरा। ओके ब्रेस योर सेल्फ मैक्सवेल। हाँ भैया मैं तो तैयार हूँ, बट ऐसा कौन सा ऑरा, हल्लो ये कौन सा आ गया अजीब सा गोरा, ये गोरा नहीं है मतलब, ये क्या अजीब बंदा भाई, तीन तीन आँखें, वो तो है कुछ भी, ये बिल्कुल कहें तो मेरे को एक पोकेमोन हाइड्रोकोन की याद दिला रहा है। ओ डियर्स डिस्टर्ब माई स्लम्बर्स। हुआ क्या भाई साहब, तेरे स्लम्बर्स को कोई नहीं परेशान कर रही है भाई, तूने हम लोग की ज़िंदगी परेशान कर रखी है अपने योगाइज भर भर के। दैट थिंग दैट्स रियली रियली स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोस। हाँ अजीब तो है और ताकतवर भी है, बात तो सही है। ग्रह माई पावर इज स्ट्रगलिंग थाट मी, आई एम फाइनली रिलीज। ओह अच्छा मतलब ये पहले कैद था, पता नहीं कैसे आज़ाद हो गया। यू साल बी ऑफ माई फर्स्ट स्नैक इन 100 ईयर्स। हाँ भाई साहब, मैं तेरे को स्नैक देखता हूँ, मैं तेरे को खाना भी नहीं दिखता हूँ कुछ भी भाई साहब, बोलता है हजारों सालों में तुम मेरे पहले शिकार होगे। मतलब मैं इसको शिकार किसी एंगल से देखता। ओ हेलो, मुझे लगा वो आँख है उसके, मुंह है भाई वो दोनों जीभ है भाई। ओ हेलो लेमेडर, द बिगर बैडर योगा आर नोन एज अ बॉस योगा। अच्छा तो ये जितना बड़ा है उसको बॉस योगा कहते हैं, और मुझे इसका वीक स्पॉट आई थिंक से ढूंढ के इसको मारना पड़ेगा। यू कांट बी फ्रेंडेड योगा बॉस योगा है, बट देर आर मल्टीपल प्लेसेज इन हिट देम। अच्छा मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, बट बहुत सारे जगह हैं जहाँ मैं इसको पीट सकता हूँ। यूज़ योर पॉइंट्स टू फोकस अटैक। अच्छा लुक क्लोजली टू फाइंड आउट वेयर टू एम योर पेन। हाँ समझ गया भाई साहब, मुझे कहाँ पीटना है इसको, बट सबसे पहले अपने लॉन्डो को बुलाया जाए। मारो भाई साहब, मारो उसका दांत तोड़ो भाई साहब, फट डालो। कैडिन तो मरी गया, अबे बूहू कैडिन, अरे मैं तो भूल ही गया था यार कि इन लोग का HP बहुत ज़्यादा कम है ना, मैं लिटरली भूल गया था। मैं भाई पागल हूँ भाई साहब, अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे दूसरे योगा इसको बुलाना पड़ेगा। आ जाओ लाउंडो, मारो भाई साहब। वैसे ये सारे के सारे बेवकूफ़ हैं भाई, ये किसी काम के नहीं है। इधर इधर मारो, इधर इधर मारो भाई, दांत तोड़ो उसका। अरे मारो भाई इसको, हाँ मारो मारो उसको। और कहीं ओके, अभी ये आँख दिखाना बंद कर भाई, मेरे को पॉइंट देखने दें। आई थिंक सो अब इसका कमजोरी इधर नहीं है। हाँ इधर इधर मारो मारो, दांत तोड़ो उसका, मारो। अरे मारो यार, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, अल्टीमेट का इंतजार कर रहे हो क्या? अल्टीमेट मैं देता हूँ, अल्टीमेट देता हूँ, रुको रहो। ओके ये डीबफ करता है, बट कोई ना, अपने को फिलहाल के लिए डीबफ की ज़रूरत है। मरना नहीं लौंडे, डीबफ मार भाई, दांत तोड़ उसका, खोपड़ा तोड़ उसका, डीबफ दे उसको थोड़ा, मतलब ज़िंदगी में परेशान कर। ओके अब मुझे इसका ढूंढना है वीक पॉइंट, अच्छा वीक पॉइंट ये रहा। मारो मारो भाई इसको,
मच्छर भैया तू डैमेज देता, मच्छर भाई तू आ जा, सोलमेट मच्छर तू आ जा भाई, मार दे भाई। मच्छर का पावर बहुत है क्योंकि मच्छर एचपी भी सामने वाले का हिस्सा है ना, इसके लिए ये बेहतरीन है। बट मेरे बाकी योकाइस मरने वाले हैं, जैसे डुलमा तो गया, डुलमा वैसे भी किसी काम का नहीं है, डुलमा बस डिफेंस करने के काम आता है। और डुलमा की कहानी खलास और मेरे उसकी भी कहानी खलास, मेरे दो योकाइस मारे गए हैं। अब आखिरी वाला बंदा बचा है, मुझे नहीं लगता ये जिता पाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल होने वाला है। बिकॉज मेरी गलती है, मैंने अपने बेहतरीन टीम को मतलब ध्यान से देखा नहीं, या मेरी गलती है, एक्चुअल में मेरी गलती है और मैं हार गया। अब भाई लगा हुआ है, अपना नेगिन लगा हुआ है, अच्छी बात है, लगे रहे लौंडे, एचपी हिस्ते रहे लौंडे, लगे रहे। मैं तेरी मदद करता हूँ, टेंशन मत ले। ओके मार मार मार, जहाँ वीक पॉइंट मिले वहाँ मार, मैं वीक स्पॉट उसका ढूंढते रहता हूँ। ओके मार, अबे यार इसके वीक स्पॉट बार बार ढूंढने में डैमेज निकल जाता है। ओके अपना लगा हुआ है लौंडा, मुझे लगता है अपन जीत सकते हैं गाइस, या अपन जीत सकते हैं यार, अपने पास मौका है, या अपने पास मौका है यार, अपन जीत सकते हैं। लगे रे लौंडे, लगे रहे, मार मार मार। अबे एचपी हिच ना लौंडे, एचपी हिच यार, एचपी हिच। वो अल्टीमेट मार रहा है, ट्रिपल ट्रबल, पता नहीं क्या ट्रिपल ट्रबल है भाई साहब। मैं गया, मेरे को अपने आप को हील करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अपना हीलिंग वाला आइटम यूज करना पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं मेरे पास तरीका। वो मैं जिंदा कर सकता हूँ अपने लौंडों को, तो फिर भाई जिंदा किया जाए ना, तब कैडिन को जिंदा करते हैं। नहीं मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता भाई, ये तो गलत है। चलो इसको एचपी दो, आजा भाई तू खा ले पहले, एचपी फुल कर, तू ही है जो अपने को हरा सकता है। अबे यार इसने ट्रिपल ट्रबल मार दिया, प्लीज डैमेज मत देना इतना, बहुत डैमेज दे दिया भाई इसने, लिटरली डैमेज बहुत दे दिया। बट अपना अब्जॉर्ब एनर्जी है जिसकी वजह से अपन बचे हुए भाई, ये अपने काम का है भाई लौंडा, बहुत ज़्यादा काम का है। बट कितने लंबा टिक पाएगा भाई बैटल में, मुझे लगता मच्छर ज़्यादा लंबा टिक पाएगा। चलो अपने जिन बयान ही है, जिन बयान भैया मार दो भाई प्लीज़, जिन बयान भाई कुछ करो यार ज़िंदगी में, मारो इसको तो। जिन बयान भैया को भी हमें कुछ देना पड़ेगा, जिन बयान भाई तुम इसको खाओ यार, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो यार। मेरे को ज़िंदा करने वाला कुछ चाहिए था, बट मेरे पास अभी ज़िंदा करने वाला कुछ है नहीं, तो फिलहाल के लिए मेरे को इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे मेरा सोलमेट पावर अनलॉक हो चुका है, बट सोलमेट में यूज करूँगा तो मेरा कांड हो जाएगा, क्योंकि इससे मेरा बंदा थोड़ा रिचार्ज में चले जाता है, तो रिचार्ज में चले जाता है तो उसमें मैं ही मर ही जाता हूँ। या अल्टीमेट मारना इसमें भाई थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार, पोकेमॉन टाइप का होता तो थोड़ा आसान रहता, इसमें एक्चुअल में अल्टीमेट मारने में बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वो चीज़ें करने में मज़ा आती है, बट यार वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। दैट बोस योका वॉज अ प्रीटी स्ट्रॉन्ग, हाँ इट सीम दैट वी कांट डील अ डैमेज टू अनलेस वी एम टू फॉर द वीक स्पॉट, शूट अ पिन इनटू अ वीक स्पॉट एंड डोंट फॉरगेट टू हील योर योका टू। हाँ समझ गया भाई, भाई खतरनाक था भाई लौंडा, फिर से चलते हैं, इस बार उसको फुट डालेंगे। मतलब इस बार मैं पूरे तरीके से समझ गया उसको कैसे हराना है, शुरुआत में बैटल किया था तो मेरे को इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं था, बट यार इस बार मैं तैयार हूँ। सो लेट्स गो, उसको हराते हैं और फोड़ते हैं। इस बार बताते हैं इस बंदे को किसने पंगा किससे लिया है भाई। पिछली बार तो क्योंकि अपनी बेस्ट टीम तैयार नहीं थी, इस बार अपनी बेस्ट टीम तैयार है, और पिछली बार अपने को पता भी नहीं था कि टारगेट वारगेट कैसे सिलेक्ट करना है, किस पे मारना है, तो इस बार अपन पूरे तरीके से तैयार हैं। मतलब यार अपने सोलमेट भी अपन मार सकते हैं, अपने सोलमेट भी तैयार है, अपना जिनबियान भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस तबाही मचाना है, मतलब लिटरली अब सिर्फ तबाही मचाना है। और इस बार भाई अल्टीमेट बड़ा फटाफट चार्ज होगा क्योंकि आप उन्हें थोड़े बहुत होल्डिंग आइटम्स दे रखे हैं। ओके पावर फ्यूरी लेट्स गो, धराधर 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 धराधर, बहुत सही डैमेज तो बहुत दिया, बट ऑफकोर्स टारगेट पे नहीं मारा, दैट्स वाई डैमेज इतना कुछ खास हुआ नहीं इसको। अरे बस करा भाई, मेरे को टारगेट लगाने दे। ओके ये रहा टारगेट, इस पर मारो, मारते रहो लौंडो। ओके मेरा कैडिन का सोलमेट एनर्जी तैयार है, कैडिन भैया तैयार हो जाओ अपने सोलमेट पावर के लिए, और बहुत बुरा डैमेज दो यार इसको, मार के खोपड़ा तोड़ दो इसका, लिटरली इसका खोपड़ा तोड़ दो। अबे यार ये अल्टीमेट इतना स्लो क्यों फुल होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे लगता नहीं इसको डैमेज दे पाएंगे ऐसे। चलो कैडिन कट तैयार है, लेट्स गो लौंडे तबाही मचा दे, मार इतना मार। वो बहुत सही डैमेज बहुत सही दिया बंदे ने, अभी भी उसी के ऊपर ही टारगेट लगा हुआ है। मेरे को इसका दूसरा वीक स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, दूसरा वीक स्पॉट यही है सबसे ज़्यादा। इस पर मारो गाइस, मारो फूड डालो भाई, मेरा कैडिन मरने वाला है, मुझे इसको फूड देना पड़ेगा, फूड ले ले भाई। अबे मरी गया यार, मेरे को जिंदा करना पड़ेगा लौंडे को, मेरे पास जिंदा करने वाला भी मटेरियल है, मुझे अभी पता चला जब मैं थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा था, मतलब आते समय।
रास्ते में मैंने सब एक्सप्लोर किया, बट ऑफकोर्स फिर से मारा गया, मेरा जिंदा करके कोई मतलब नहीं निकला। जिन बयान के लिए मेरे पास कोई आइटम्स नहीं है, क्योंकि एक बार में मैं एक ही आइटम इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये बहुत बेकार है इस गेम का फंडा, मतलब लिटरली ये चीज़ मेरे को बेकार लगा। चलो कोई ना, मारते भाई इसको, मेरे को दूसरे बंदे को बुलाना पड़ेगा, मतलब लिटरली मुझे दूसरे टीम को बुलाना पड़ेगा, ये टीम ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। प्लीज़ लगे रहे जिन बयान भाई, लगे रहे यार, कुछ कर दे भाई, इन अपना जो मच्छर का बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है भाई। मारो यार जिन बयान भाई, क्या कर रहे तू, मेरे को लगता है भाई दूसरे को बुलाना पड़ेगा, यार दूसरे बंदे को ही बुलाना पड़ेगा। तुम लोग मारो भाई, तुम ही लोग हो जो मेरे को जिता सकते हो, मुझे बाकी तो कोई भरोसा नहीं है। ओके, सबसे वीक पॉइंट अभी फ़िलहाल के लिए यही है, इसी को ही मार। ओके तो यार, अपना बूहू का अल्टीमेट नहीं है, अपने बूहू का अल्टीमेट नहीं है ना, अपने को ढोल का अल्टीमेट मारना पड़ेगा। ढोल का अल्टीमेट इतना कुछ खास मेरे को लगता नहीं है, बट देखते हैं ढोल अपना अल्टीमेट कुछ मार पाता है कि नहीं मार पाता। ढोल भैया तैयार हो जाओ अपने अल्टीमेट मारने के लिए, तबाही मचाने के लिए। ढोल ढोल ढोल, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके, मार दे उसके वीक स्पॉट पे, अपन काफ़ी सही जा रहे हैं, काफ़ी सही जा रहे हैं। हेडबट भैयो, मारो भैयो। ओ भाई 36 का एक्चुअल में ढोल काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है भाई, मानना पड़ेगा, बस अपने को इसका कमजोरी नहीं पता है। ये रहा इसका वीक पॉइंट, मारो उसके वीक पॉइंट पे, मारो मारो गाइस मारो। अपना बूहू ब्लास्ट आ रही है, टेंशन मत लो, बूहू ब्लास्ट के लिए हम लोग तैयार हैं। अबे यार पहले इसको थोड़ा डीबफ देते हैं, डीबफ देना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अपन इसको ऐसे हरा पाएंगे, बट डीबफ के चक्कर में अपनी टीम की वाट लग जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है, क्योंकि ये बॉस है, ऑफकोर्स यार बॉस डैमेज तो देगा ही। चलो लेट्स गो, डीबफ डीबफ। बूहू अपना मारा गया, बट कोई ना, अपना अभी भी जिन बयान तैयार है। जिन बयान को मुझे ठीक करना पड़ेगा प्यूरीफाई करके, मैं एक बार इन लोग पर टारगेट सेट कर दूँ, टारगेट सेट करके उसके बाद मैं जिन बयान को ठीक करता हूँ भाई, प्यूरीफाई। लेट्स गो जिन बयान, फटाफट फटाफट यार, जल्दी जल्दी। अबे चलो प्यूरीफाई हो गया, लेट्स गो, अपना जिन बयान तैयार है। बट मेरे को सबसे पहले एक हीलिंग मटेरियल भी दे देना चाहिए जिन बयान को, जिन बयान का हेल्थ भी फुल। चलो अपनी सेकंड टीम तैयार है, सेकंड टीम के साथ अपन आराम से इसको हरा सकते हैं। अपने को बस फटाफट अल्टीमेट तैयार करना है, अल्टीमेट अल्टीमेट, फटाफट फटाफट, लेट्स गो जिन बयान, मार दे प्लीज़। वैसे तो मैंने टारगेट सेट नहीं किया, तो प्रॉब्लम ये होगा कि इसको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ओके, डैमेज हुआ बट जितना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अपने को फिर से एक हीलिंग आइटम की ज़रूरत है। जिन बयान भैया तू हील हो जा, क्योंकि मुझे और बाकी बंदों पे कोई भरोसा नहीं है, तू यहाँ जिन लोगों को हरा सकता है फिलहाल के लिए तो। और ये रहा इसका वीक पॉइंट, वीक पॉइंट पे मार, मारते रहे वीक पॉइंट पे, मारते रहे भाई तू, मारते रहे वीक पॉइंट पे, मैं तेरे को वीक पॉइंट ढूंढ के दूंगा। ओके बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बचाइए, टिके रहे लौंडे, टिके रहे भाई, मार दे बहुत सही, थोड़ा और, बस थोड़ा और, एक और हिट। ओके लेट्स गो भाई साहब, आपने पता नहीं कैसे इस बार इसको हरा लिया भाई, पिछली बार भाई बड़ा ही टफ पड़ा था, बढ़िया। इस बार अपन थोड़ी स्ट्रैटेजी के साथ आए थे, मतलब मैंने फूड्स का भी इस्तेमाल किया, थोड़ा रिवाइव विवाइव का भी इस्तेमाल किया, तो अपन ने आखिरकार हरा दिया। और भाई साहब जिन बयान का ये डांस तो बनता है भाई, इतने खतरनाक बैटल के बाद भाई ये जिन बयान का ये डांस बनता है, बहुत खतरनाक बंदा था भाई। और लेवल अप देख रहे हो भाई, भर के लेवल अप हुआ है भाई, सब 7 लेवल के हो गए, मानना पड़ेगा। और अपने इसका भी क्या बोलते हैं, सोलमेट स्किल लेवल 2 हो गया जिन बयान का, ओपी। अरे जिन बयान का मुझे सोलमेट का लेवल 2 का मुझे फंडा नहीं पता, उसको मैं बाद में देखूंगा, और फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। ओ उठ गया फिर से, ओ भाई साहब ये कौन आया, अबे बड़ा कूल लग रहा है वैसे तो, दिखने में काफ़ी कूल है भाई साहब, पावरफुल भी है यार ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए भाई, काफ़ी अच्छा ही यूकाई लग रहा है यार मेरे को तो, जिन बयान की तरह निंजा टाइप का फीलिंग आ रहा है, ये निंजा विंजा है भाई साहब, मस्त जबरदस्त फैंटास्टिक सुपर डुपर फैंटास्टिक। और गायब भी हो गया, अबे भाई मुझे तो तुझे पकड़ना था यार, तू गायब क्यों हो गया, कम से कम मेरे को मेडल देके जाया होता। जी ग्लाउसी दैट वाज अ वन टफ स्लाइमी डिस्कस्टिंग चोकी, हाँ बात तो सही है भाई, बड़ा ही खतरनाक था, बट यार सेकेंड ट्राई में मैंने हरा लिया, बिकॉज ऑफ मैंने स्ट्रैटेजी यूज की, बट वी आर सेफ नाउ, वट एवर दैट वॉज प्रिटी मच सेव्ड अस, बात तो सही है, जो भी था भाई बचा लिया उस बंदे ने, अजीब ही था, अजीब नहीं था, कूल था भाई। आई थॉट दिस वॉज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई वो हमारा दोस्त ही है, तभी हमें बचाया। कांट से आई सीन हिम बिफोर बट ही ऑल्स वेल दैट्स एंड वेल राइट, हाँ बात तो सही है, मतलब उसने बोल रहा है अपना विस्पर कि कभी उसने देखा नहीं उसको, बट या जब कुछ सब कुछ सही है तब तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं।
एट लास्ट वी कैन फाइनली पुट दिस सील बैक टू द ऑर्डर। यप, चलो उसको भी ठीक किया जाए। ओके विस्पर, दिस इज ऑल यू। ऐसे को विस्पर भैया अपना पावर दिखाओ। ओ मैक्सवेल, यू आर कॉन्फिडेंस मेल मी आर रियली एनर्जाइंग। और क्या भाई साहब, मेरा कॉन्फिडेंस इसको एनर्जी देता है। बट भाई वो योका आके मेरी मदद किया। विस्पर भाई तू तो उससे ज़्यादा पावरफुल है, तू भी तो मेरी मदद कर सकता था, इसने क्यों नहीं मेरी मदद की। ओ सील हैड माई वर्ड्स एंड हाउ अबाउट क्लोजिंग सिम सिम। ओके क्लोजिंग सिम सिम, ये कौन सा नवा स्पेल है भाई। चलो कोई ना, कम से कम बंद हो गया। एंड डन, द ऑरा इज गॉन। चलो हमारा काम तो समाप्त हो गया जो भी सील का था। हे विस्पर, इज इट पॉसिबल द सील स्किप दैट जाइंट योकाई लॉक्ड अवे। हाँ मुझे भी लगता है कि ये सील उस बड़े से योकाई को लॉक कर रखे थे। आई कांट से फॉर श्योर। ओके बट आई थिंक देर आर बिग सीक्रेट हिडन समवेयर इन द स्प्रिंग गेट। क्या गैडल, ये स्प्रिंग गैडल क्या है भाई। वेल वेल फिगर इट आउट, वी डन अ प्रिटी गुड जॉब सो फार हैव नॉट वी। ऑफ कोर्स भाई हमने काफ़ी खतरनाक काम किया, बट उस बॉस से लड़के मज़ा ही आ गया भाई। काफ़ी मस्त बॉस था, काफ़ी टफ था, मतलब टफ बैटल्स करने में अलग ही मज़ा आता है। या वी हैव नॉट वी ऑफ कोर्स। इट्स बीन अ लॉन्ग डे मैक्सवेल, लेट्स हेड होम, टाइम टू रिलैक्स अ बिट। बात तो सही है, इतनी खतरनाक कांड करने के बाद आप चलते हैं भाई घर में, मतलब घोड़े बेचकर सोना जरूरी है। तो भी कंटिन्यूड। ओके नई कहानी नई जर्नी, बट उससे पहले सेव करना जरूरी है क्योंकि मार्केट में आप ने तबाही मचा दिया भाई साहब, मतलब लिटरली तबाही मचा दिया। ओके रात से हुआ दिन, अब अगला अपना टास्क क्या है भाई। या गुड मॉर्निंग मैक्सवेल, गुड मॉर्निंग तेरे को भी। टाइम टू वॉश योर फेस एंड गेट ड्रेस अप, ब्रश योर टीथ। अच्छा भाई साहब इतना ज़्यादा बढ़िया बंदा भाई, काश मेरे लाइफ में भी होता मुझे ये सब याद दिलाने के लिए, तो मज़ा ही आ जाता। मतलब यार चलो कोई ना, ये डोरेमोन वाली फीलिंग दिलाता है, इस पर डोरेमोन के जैसा है। यू आर नॉक्ड आउट प्रीटी गुड। ओके यू डेफिनेटली अर्न अ गुड नाइट स्लीप, यू आर अ ग्रेट यस्टरडे। हाँ भाई मैंने तबाही मचा दी, ग्रेट क्या मैं तबाही लौंडा हूँ। या दैट स्लीमा मंडार थिंग वॉज अ रियली स्ट्रॉन्ग। ऑफकोर्स भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मेरे सारे बंदों को हरा दिया था भाई। अगर मेरे पास फूड नहीं होता तो मेरा जिन बयान भी गया था। वॉट इफ अनदर योगा दैट्स पावरफुल वुड शो अप। हाँ बात तो वो भी सही है भाई, कोई खतरनाक योगा और आ गया तो। वरिंग इज ऑफ्टन एन एक्ट ऑफ वेस्टिंग वन एनर्जी मैक्सवेल। ओके बोलता है कि सोचना मतलब टेंशन लेना कहे तो मतलब वक्त की बर्बादी और एनर्जी की बर्बादी है। बट दिस इज केस इट्स द वर्ल्ड, आई थिंक वील नीड सम स्ट्रॉन्ग योगा। हाँ बात तो सही है भाई, हमें कुछ ताकतवर योका इसकी तो एक्चुअल में जरूर रहता है। द स्ट्रॉन्ग योका इज द बैटर इज एड क्या कॉन्सलेसिंग इट्सेल्फ। हाँ बात तो सही है, अपने पास जितना ताकतवर योका ही होगा मतलब उतना ही अपने लिए जो भी मुसीबतें हैं वो आसान पड़ेंगी। वी मस्ट अपग्रेड योर योका वॉच इफ वी आर अ फाइंड सम स्ट्रॉन्ग योका फ्रेंड्स। ओह तो भाई कर दे भाई योका, मतलब मेरा वॉच अपग्रेड कर दे। वैसे भी मुझे वो क्या बोलते हैं वो रैंक वाला था वो वाले जगह पर एक्सप्लोर करना है कि उधर कैसे योकाइज मिलने वाले हैं। I think that should be our focus today. What do you think? Okay, sounds good to me. But how do we upgrade the yokai watch? हाँ बात तो भी सही है। The watch shop is probably a good place to start. You know, अच्छा भाई साहब मतलब हमें वॉच को अपग्रेड करना है तो हमें वॉच के शॉप पे जाना पड़ेगा, मतलब घड़ी के शॉप पे जाना पड़ेगा। बढ़िया है बढ़िया है। If you have a watch you just adore. अबे भाई कम से कम पढ़ने तो दिया होता, गाना गा रही है। The shopkeeper's family had been dealing with a yokai for डिसेड्स। ओके मतलब जो शॉपकीपर है उसकी फैमिली बहुत पहले से योकाई से मतलब भिड़ते आ रही है जो वॉच वाली है। दे आर एक्चुअली द वन हु क्रिएटेड अ योकाई वॉच। ओह अच्छा मतलब घड़ी वाले लोग ने योकाई वॉच बनाया था, मानना पड़ेगा भाई, मतलब इंसानों ने बनाया। सो वी बीन इन अ गुड हैंड्स वेन इट्स कम टू एन अपग्रेड। हाँ बात तो सही है भाई, सुन के जब उसने बनाया तो ऑफकोर्स अच्छी बात ही तो है। ओह दैट साउंड ऑसम लेट्स गो। ऑफकोर्स भाई Agree, times and more, we have to come. I remember seeing that place over by a Bloom Heights station. Bloom Heights station? ठीक है कोई ना चल लेंगे भाई साहब। क्या बात है times and more, वाह भाई साहब मतलब हमें योकाई वॉच को अपग्रेड करना और तबाही मचाना है। तो यप गाइस मेरे हिसाब से आज के एपिसोड इधर ही एंड करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं अपने योकाई वॉच को अपग्रेड और कुछ नए से योकाइस देखने वाले खतरनाक वाले। और अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया तो फटाफट लाइक मार दो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सेवनारा एंड फिर मिलेंगे दोबारा।